गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दिन शुरू कर रहे हैं विद सम एक्सरसाइज ऑफ बैडमिंटन। देयर इवेंट्स जो कोर्ट से हमारा है। आज अच्छा खासा सुबह एक्सरसाइज हो गया, सो दैट फील्स गुड एंड आई फील रियली टायर्ड, बट काम चल रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट टुडे, आज हम सबका फास्ट है बिकॉज महाशिवरात्रि है, हम लोग सब लोग बचपन से करते आए हैं। सो या सो एनीबडी हु नोज अ फास्ट इन अ गुजराती फैमिली, उनको पता है कि यूजुअली मतलब फरार हम जिसको बोलते हैं, विच इज़ ऑल द खाना जो तुम फास्टिंग में खा सकते हो, बट इट्स लाइक ड्रिपिंग विथ ऑयल, वो हम आज अवॉइड कर रहे हैं। मतलब द गुड थिंग एंड एक्चुअली द ओनली थिंग विच आई हैड इन माइंड इज़ कि अगर मेरे को फास्ट करना है तो मेरे को फ्रूट्स और वो सब चीज़ से करना है एंड नॉट विद द ऑयली फूड जो बेसिकली एक्चुअली ज़्यादा लैविश होता है नॉर्मल खाने से। तो अब तक सो फार सो गुड, हम लोग ने सिर्फ इतनी सी साबुदाना खिचड़ी खाई है सुबह बिकॉज वी हैड टू गो प्ले, और फिर तब से फ्रूट्स पे है एंड दैट इज मेकिंग एटलीस्ट मी वेरी क्रैंकी। मतलब भूख लगी हुई है, सिर दर्द हो रहा है, टू वर्क सो मच, आज कुछ ज़्यादा ही है। और ये सब वापस न्यूज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन आ रहे हैं एंड वी काइंड ऑफ लाइक होपिंग टू ट्रैवल, आई थिंक विच वी माइंड डू बिकॉज काफ़ी बुकिंग हो चुकी है। मैं सिर्फ लोकेशन वो नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, या पता नहीं अगर नहीं हुआ तो फिर आई डोंट वांट टू जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑन माई सेल्फ, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट doesn't happen because Mumbai ke kafi parts mein to already lockdown lag chuka hai and it might happen that Mumbai may be lage before we even leave. Subah to hum matlab almost covid test bhi karwane chale gaye the but then we feel like let's just hold off just because airports pe chahiye rehta hai kahin kahin jagah pe, and then we called up the airport and they said ki domestic travelers को ज़रूरी नहीं है, सो इसी वजह से हम वापस आ गए। लेट्स सी, इट्स अ मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री। हाउ डू यू फील? तूने बताया क्या? ओ हाँ, ये तोहफा हमारे खुद को पास दिया। कवर भी आ गया, अभी ये तो बता दिया ना, नया कवर लिया वो अलग बात है, जो अभी मैं यूज करूंगी ट्रैवल करते टाइम कुछ नहीं मिलने वाला एज अ माइक मेरा। अरे इट वर्क सो वेल नो, मेरा व्लॉग्स में इट विल बी सो गुड आउटडोर्स में। यस बट वेरी नाइस यार, मतलब वर्थ द मनी एक्चुअली, ऐसे देखने जाएंगे ना तो। और सो इसके सामने आई हैड एन ऑप्शन ऑफ 10,000 का, वैसे खोलो ना। एक मिनट आएगा, आएगा ये तो कभी आएगा। हाँ, चूज लेफ्ट में राइट में कितना है?
एंड ये बॉक्स में कितना है? 92% है। तो कल से मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट आई थिंक टिक जाएगा ये। मतलब अगर तुम डिसेंट यूज़ करते हो दिन में 1-2 घंटा जस्ट मेरे जैसा काम के लिए या कुछ देखने के लिए, तो आई थिंक 2 दिन तो आराम, 2-3 दिन तो आराम से। और जैसे कान में डालो ना तो टडुम करके आवाज़ आती है, तो इट शोज तुम्हारा। एंड इसमें वो है, वो जैसे निकाला एक तो पॉज हो हाँ, जाएगा, पॉज हो जाएगा। वापस डाला इट विल बी बट परफेक्ट फॉर माय ट्रैवल व्लॉग्स। ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग बट ही इज रियली हैप्पी टू डू दैट। है कि नहीं, है कि नहीं? भूख लगे दैट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कल का ब्रेकफास्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। कल क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में, सो आई एम रियली हंग्री। बट फिर भी दिन अच्छे से निकल गया। और सॉरी आजकल थोड़ा काम है, प्लस हवाई ट्रिप प्लानिंग है जो हमने आई थिंक अब तक 4 बार कैंसिल करके 4 बार उसका जाने के लिए ओके किया है। एंड आई स्टिल डोंट नो कि हम जाने वाले कि नहीं, हम जाने वाले कि नहीं जाने वाले है? स्टिल गॉड इज नॉट श्योर अबाउट इट। इवन तो हमारी बुकिंग हो चुकी है, स्टिल नॉट श्योर कि हम जा रहे कि नहीं जा रहे। एंड पता नहीं, बट उसकी भी तैयारियां चल रही है। सो आई रियली डोंट वांट टू से अबाउट इट बिकॉज वी डोंट नो। सो वी आई एट लीस्ट सपोज टू लीव लाइक डे आफ्टर अर्ली मॉर्निंग, बट विल सी क्या होता है और वहाँ पहुँच के क्या होता है। इट्स गोना बी अ फन वन एंड जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ लास्ट मार्च जब हम लोग टर्की जा रहे थे हमारे हनीमून के लिए। एंड जस्ट वेन वी वर लीविंग तभी ही मुंबई में या इवन लाइक रादर इंडिया में केसेस आने शुरू हुए थे। एंड द होल थिंग वॉज लाइक सो डाइसी, बट थैंकफुली टर्की में ज़्यादा नहीं था केस, टर्की में एक भी केसेस नहीं थे। एंड इंडिया वॉज स्टिल लेटिंग पीपल टेक द फ्लाइट्स, सो दैट वॉज फाइन। और हम निकले थे एंड पीपल वॉज सो वाइड लाइक वट वी आर गोना डू, वट वी आर गोना डू। बट वहाँ पर अच्छा खासा दिन निकल गया था एंड वी हैड लाइक अबाउट अ 15-day ट्रिप विच वी हैड टू प्री पोन बाय 3 days। और हम जल्दी आ गए थे जस्ट बिफोर दी इंडिया वॉज शटिंग डाउन द इंटरनेशनल लिए। तो इंडिया मतलब बोला कि 19th को हम किसी को आने जाने नहीं देंगे, और हमने 18th को फ्लाइट पकड़ के हम आ गए थे। एंड इट वॉज रियली स्कैरी एंड इंटरेस्टिंग। और अभी काइंड ऑफ वैसा ही सिचुएशन है बिकॉज लाइक लॉकडाउन होगा नहीं होगा, आई नो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल। एंड द बेटर पार्ट इज़ अब इंडिया के ही कोई तो सिटी में है, सो इट्स नॉट रियली दैट फार, और ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन है नहीं। बट विल सी, आज वापस आपने देखा रहेगा मेरे कान को जोर से जय ने वापस मारा। बैडमिंटन हैज समथिंग टू डू विथ मी ना, मेरे कहीं ना कहीं तो लगनी है मतलब जोर से, पर इट वाज फन। एक्सरसाइज वाज पॉइंट ऑन, वॉक भी रात को हो गए अबाउट लाइक इतनी 6-7,000 स्टेप्स हो गए उस चीज़ में। सो आज थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन है कि खाना भी ढंग से हुआ है, थोड़ा फ्रूट्स और वो सब, एंड देन एक्सरसाइज भी ढंग से हुई है। सो अब आई सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जस्ट स्टे इंस्पायर्ड एंड डू व्हाटएवर यू लाइक। गुड नाइट।